दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने आज कहा कि एनसीआरबी के अगर हम आंकड़े देखें तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा असुरक्षित महिलाएं हैं। जब से भाजपा की सरकार दिल्ली में आई है, 1 लाख किसानों ने आत्महत्या की है। आंकड़ों में उत्तर प्रदेश कस्टोडियल डेथ में सबसे आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश में समाजवादियों ने मेट्रो हर शहर में दी। लखनऊ, कानपुर, आगरा की मेट्रो, दिल्ली से नोएडा, ग्रेट नोएडा जोड़ने वाली मेट्रो समाजवादियों की देन है। 2017 से अभी तक 8.4 करोड़ लोगों ने मेट्रो में सफर किया है। इतनी बड़ी उपलब्धि भाजपा की किसी योजना की नहीं होगी। भाजपा लगातार इस बात का प्रचार कर रही है कि विकसित भारत बनेगा। क्या विकसित भारत किसानों के बिना आय बढ़े हो जाएगा? देश की अर्थव्यवस्था तभी बेहतर होगी जब किसान और गरीब खुशहाल होगा। उनकी सरकार में जो भी नौकरी मिल रही है वह अपमान से भरी नौकरी है। जब भी समाजवादियों को मौका मिलेगा, देश प्रदेश के नौजवानों को सम्मान का रोजगार मिलेगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अपने साथियों से ये कहा है कि जितना उन्हें वोट पहले मिला था उससे बढ़ चढ़ कर के इस बार समाजवादी पार्टी के जो भी प्रत्याशी हो उनकी मदद करें और उनको ज़्यादा वोट दिलाएं। हमें उम्मीद है आने वाले समय में उत्तर प्रदेश का परिणाम ऐसा होगा जिससे भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। दोस्तों, समाजवादी पार्टी से संबंधित खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको यहाँ पर समाजवादी पार्टी से संबंधित खबरें देखने को मिलती रहेंगी। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय संविधान, जय अखिलेश, जय समाजवाद। दोस्तों।